मंडी स्थित गांधी भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश के विकास में अविस्मरणीय योगदान किया है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। इतना लहू था शरीर में, वो इस धरती को पिला दिया, इस जमीन का कर्ज था जो चुका दिया। आज स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पे कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पे श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के राजीव गांधी जी एक जनक हैं और उन्होंने 1984 से लेके 89 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का गौरव उनको प्राप्त हुआ। जो राजीव गांधी जी की सोच थी वो बहुत उदारवादी थी और बहुत आधुनिक थी। उन्होंने संचार क्रांति और युवाओं को जो वोटिंग का अधिकार दिया, और दूसरा जो उन्होंने एक कंप्यूटर क्रांति लाई जो एक बड़ा सराहनीय है, और जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने उनके बताए हुए दिशा निर्देशों पर चलने का संकल्प लिया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।